हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप शर्मा, आपका होस्ट, और अपने चैनल फंडामेंटल नेचर बॉक्स में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। ये मेरा अनार का पौधा है और इस पर ये कीड़ों ने इस पर पूरा जो है, ये देखिए, इसका इलाज मैंने पहले किया था लेकिन ये फिर आ गए। कि जितने भी नई कॉम्प्लें हैं उन पर ये जो है, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, ये देखिए आप देख रहे होंगे, ये इन्होंने कवर कर रखा है। ये देखिए पीछे से देखिए, तो ये तकरीबन सारे पौधे पे ही इन्होंने नई जितने भी आ रहे हैं पत्ते उन पे इन्होंने ये कर रखा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये किस तरीके से बड़े बनकर, ये देखिए ये पत्तों के नीचे, ये देखिए ये मेरे पौधों को खा रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे हैं, ये ग्रीन कलर के बग्स हैं जो ये सारे आप देखेंगे पत्तों के ऊपर, जितने भी नए पत्ते हैं उन पे ये हैं। ये देखिए कैसे इनका है। तो इनका इलाज जो है आज एक देसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें करना है। ये देखिए यहाँ आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स कि ये किस तरीके से इन्होंने नए जितने भी आपकी कोंपलें हैं उन पे पूरा, देखिए डंडियों पे, ये पत्तों के ऊपर, ये देखिए इन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो चलिए आज इसका देसी इलाज करते हैं। लास्ट टाइम हुआ था तो मैंने इसका इलाज किया था, वो सिर्फ जड़ों पे था, तो वो क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद वहाँ से तो ख़त्म हो गया पर वो ऊपर शायद फैल चुके थे तो ये ऊपर आ गए। देखिए तो आज इनका बिल्कुल एक देसी सा इलाज करते हैं, कोई भी केमिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे और उसका इलाज हम निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आप ये पौधे को देख रहे हैं, ये मैंने अब रख लिया है और ये अब पानी की बॉटल है और इसमें स्प्रे, इस पर सिर्फ पानी का स्प्रे जो है वो मैं कर रहा हूँ। बहुत अच्छी तरह हर पत्ते के ऊपर इसका स्प्रे कर रहा हूँ, अंदर ऊपर से नीचे से सब तरफ से ये स्प्रे आपने कर लेना है। टहनियों पे भी, इसके हर पत्ते पे, हर टहनी पे इसका आपका ये स्प्रे हो जाए, मतलब गीले हो जाएं टहनियाँ, जहाँ जहाँ तक जितना अच्छे तरीके से आपके पत्ते और ये सब हो सकते हैं वो हमने सादे पानी से, कोई दूसरा कोई केमिकल अभी हमने यूज़ नहीं किया, इस पर कुछ नहीं, अच्छी तरह हम इसको लीजिए। ये तकरीबन सब पत्ते हमारे जो हैं वो अच्छी तरह गीले हो गए हैं। आप देखेंगे तो ये सब गीले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ क्या हमने करना है। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि देसी इलाज करेंगे और वो देसी इलाज जो है ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये है राख, ये जिसे कहते हैं कि कोयले की या लकड़ी की, ये वो राख है। और ये जो पत्ते हमने गीले कर लिए हैं इसके ऊपर इस राख को छिड़क देंगे, बस यही हमारा जिसे कहते हैं कि एक देसी इलाज। ये बहुत टाइम से किसान जो है पहले इस्तेमाल करते थे इसको, पर जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज आती गई और सब जो है वो मसला चेंज होता गया, लेकिन आज हम वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे और इनके ऊपर ये राख ही डालेंगे। ये कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं, कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है,
और एनवायरनमेंट भी ख़राब नहीं होता है और हम लोगों का इलाज भी हो जाता है। एक अच्छा कोट जो है इस राख का, इन पर हो जाए। आप देख रहे होंगे कि ये अच्छी तरीके से कोटिंग हो रही है राख। चलिए फिर मैं कोट करके आपको दिखाता हूँ, फिर लंबा वीडियो हो जाएगा और फिर कई दोस्त जो हैं वो शिकायत करते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, ये अच्छे तरीके से जो इसके ऊपर राख का मैंने छिड़काव, आप देख रहे होंगे कि राख का छिड़काव जो है वो हर पत्ते पे, हर टहनी पे, तकरीबन सब पे, जहाँ ये देखिए ये बग्स थे, इन सब के ऊपर जो है वो कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बिल्कुल देसी इलाज मैंने आपको बताया। केमिकल ख़रीदने की, लाने की ज़रूरत ही नहीं, पौधों के ऊपर डालने की, अपने एनवायरनमेंट को ख़राब करने की, और कोई ख़ास मेहनत भी नहीं है। सिर्फ राख, पानी स्प्रे किया, राख डाल दी। देखिए कितना बढ़िया मैंने आपको एक बताया। और हर पौधे पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और मोस्टली पर ये इफ़ेक्टिव है। और पुराने ज़माने में यही इस्तेमाल किया जाता था, हमारे किसान भाई यही इस्तेमाल करते थे, यही टेक्निक। और आज जो है वो चेंज हो गया मसला, पर एनीवेज अब कोई हम इतना बड़े खेतों में तो कर नहीं रहे हैं, हमारे तो कुछ पौधे होते हैं तो जिन पर हम ये कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं रिकमेंड करूँगा कि इसी तरीके से हम अपने एंड पे जो चीज़ें कर सकते हैं वो देखिए ये हैं, और आप भी इसको इस्तेमाल कीजिए और अच्छे पौधों को, अपनों को हेल्दी रखिए। होप करता हूँ फ्रेंड्स ये देसी तरीका आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो ये, और आप इसको इस्तेमाल में भी लाएंगे और किसी भी तरह के कीड़े जो हमारे पौधों को ख़राब करने के लिए आते हैं आप उनको ख़त्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मेरा देसी तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो कमेंट बॉक्स में डालिए, बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। और चैनल को लाइक भी कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको आप तक पहुँचते रहें, और जब आप लाइक का बटन दबाएंगे तो एक बेल आइकन साथ में आएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए, तो वो जो जितनी भी वीडियोज़ में डालूँगा वो नोटिफिकेशन आप तक उसका पहुँच जाएगा, तो हम लोग कनेक्ट रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, कमेंट में कुछ पूछना हो बिल्कुल पूछिए, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में। स्टे कनेक्ट विद मी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।